स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का, विच इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में माइक्रोस्कोपिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है विद दैट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन, पेज नंबर 6 के ऊपर है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये लॉ क्या होता है। तो द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। इस डेफिनेशन के, इस लॉ के दो पोर्शंस हैं। तो पहले पोर्शन को समझें कि रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स। अब आपको पता है कि एक रिएक्शन के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमने किसी भी सब्सटेंस का रेट देखना है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके एक्टिव मास के। ठीक है, अभी एक्टिव मास क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। मतलब पहली बात तो ये थी कि वो जो सब्सटेंस जिस रेट पे रिएक्ट कर रहा है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात वो कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ओवरऑल रिएक्शन का रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के। ठीक है, मतलब एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओवरऑल रिएक्शन का रेट। अब एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास इज़ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो हमने सब्सटेंसेस यूज़ किए हैं उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिव मास कहेंगे। इसका यूनिट होता है मोल पर डी एम क्यूब और इसको एक्सप्रेस किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। इसको समझने के लिए इसकी डेरिवेशन देखते हैं। जी, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन की एक डेरिवेशन। हम एक रिएक्शन लेते हैं, ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स, सी एंड डी आर द प्रोडक्ट्स। व्हेन ए एंड बी रिएक्ट टू फॉर्म सी एंड डी, इट इज़ अ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको के एफ से रिप्रेजेंट किया गया है। और सी और डी जब रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाएंगे तो ये एक रिवर्स रिएक्शन है जिसको के आर से शो किया जाता है। अब हमें पता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं ना, तो इन सब्सटेंसेस की ए बी सी और डी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मैसेज। ठीक है, एक्टिव मास ये है ना, ए और बी का मोलर कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को आर एफ से शो करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इज इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे एक हम कॉन्स्टेंट लगा देंगे के एफ, और ये एज इट इज़। इसी तरीके से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जब बात करेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। ठीक है, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन को ब्रैकेट शो कर रही हैं, ये साइन हटा के हमने कॉन्स्टेंट के आर लगा दिया और सी एंड डी की कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज़। अब एट इक्विलिब्रियम स्टेट, हमें पता है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये आर एफ की वैल्यू और ये आर आर की वैल्यू, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स की वैल्यूज़ को हम इक्वल कर देते हैं, मतलब के एफ ए एन टू बी इज़ टू के आर ए टू बी। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करेंगे, यहाँ के आर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के इस साइड पे के एफ के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये ए एंड बी इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, सी एंड डी ओवर ए एंड बी। अब के एफ और के आर जो है ये कॉन्स्टेंट है ना, तो इसको हम एक कॉन्स्टेंट के सी के बराबर कर देते हैं जो कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है। ठीक है, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के सी, तो हम यहाँ पे इस रिएक्शन में के एफ ओवर के सी की के आर की जगह पे के सी लगा देंगे, और के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि सी एंड डी प्रोडक्ट्स हैं और ए एंड बी रिएक्टेंट्स हैं, तो इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट्स के इक्वल है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। अब हम किसी जनरल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को ड्राइव करते हैं, तो उसके लिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपको पता है जब किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है तो उसके साथ हम नंबर ऑफ मोल्स लगाते हैं, 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बैलेंस करने के लिए। तो जब किसी जनरल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन देखा था, लेकिन हम क्या करेंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल्स हैं ना उनको पावर के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, इसकी डेरिवेशन देखते हैं, ये इसकी डेरिवेशन है।
हमने क्या किया, कोई भी जनरल रिएक्शन लिया है ए बी रिएक्टिव फॉर्म सी एंड डी, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को जो कि हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाए हैं साथ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वी नो दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, ए और बी के। अब यहाँ पे हमने देखा जैसे डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम पावर के फॉर्म में ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनको हमने पावर के फॉर्म में ऊपर लिख दिया। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट की एफ आ जाएगा, ये एज इट इज़। इसी तरीके से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर इंटू सी इंटू डी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स को हमने पावर के फॉर्म में लिख दिया। अब एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये आगे बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन में किया था। रेट ऑफ फॉरवर्ड ये वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ पुट कर दी इसकी जगह पे, और रेट ऑफ रिवर्स की वैल्यू यहाँ पर मिल लगा दी। ठीक हो गया, अब इसको रीअरेंज करेंगे, के आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही थी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी सी ओ डी के साथ, इसकी पावर्स एज इट इज़ हम लिखेंगे। अब के एफ ओवर के आर हमने पीछे भी पढ़ा कि ये किसके इक्वल होते हैं, ये के सी के इक्वल होते हैं, और के सी क्या है, ये इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है। तो इस रिएक्शन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर के एफ ओवर के आर की जगह पे हम के सी लगा देंगे। ठीक है, के सी इज इक्वल टू सी इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी ओवर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो ये डेरिवेशन है हमारी किसी भी जनरल रिएक्शन के।